अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन आलोक कुमार ने गुरुवार को लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर, जिला पूर्ति अधिकारी आनंद सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BN सिंह सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किए जाने वाले राशन वितरण, स्वच्छ भारत अभियान, मिड डे मील योजना सहित अन्य कार्यों की प्रगति की समीक्षा की तथा कहा कि कार्यों में तेजी लाते हुए उसे समय अनुसार पूरा किया जाए। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किचन गार्डन विकसित किए गए, 300 परिवारों को बीज किट और पोषण किट वितरित किए। निराश्रित भोजन योजना में 550 परिवारों को गाय उपलब्ध कराई। अपने शेयर किए, रामपुर में सोलर कोल्ड स्टोरेज और साइलो का निर्माण कराया गया। उनके लिए चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन फंड भी बनाया। मिशन शक्ति के अंतर्गत भी उन्होंने कुछ सहायता समूह में बड़े स्पेशल काम किए हैं, कराया, जिससे कई सारे ब्लॉक जो डार्क हैं, क्रिटिकल हैं, उनमें जो वाटर टेबल है वो इंक्रीज हुआ है, टीकरण किया है और बाकी रेगुलर। औरैया में चेक डैम ऑपरेशन कराया कल। सरेगा में पंचायत भवन और दो सेवा केंद्र से संबंधित उन्होंने काफी अच्छे काम किए हैं। ये शायद नदी का काम है, नदी पुनरुद्धार का काम किया है। अपॉर्चुनिटी टू नरेगा लाइवलीहुड प्रोजेक्ट स्टार्टेड विद द सपोर्ट फ्रॉम रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड CSR एम्पावरिंग SHG। इस तरह के 8 क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है। इंडिया लेवल पे इस फील्ड में जो काम हुआ है तो उसको पहचान मिली है देश भर में। इससे रिलेटेड जो काम हुए हैं तो वो शेयर किए और बहुत अच्छा काम किया। तो इन सारे अधिकारियों को जिन्होंने प्रेजेंटेशन शेयर किए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे बीच में अपर मुख्य सचिव और सचिव महोदय जैसे ही आएंगे तो हम लोग प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे और फील्ड का उन्हें, क्योंकि अब 2-2.5 साल का फील्ड एक्सपीरियंस है जो SDM मिलता है, उसके बाद में हम लोग CDO बन रहे हैं। कौन जनपद अच्छा काम कर रहे हैं वो दूसरों को पता लगना चाहिए, ताकि एक पॉजिटिव कंपटीशन, आपस में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो। अच्छे कामों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है प्रोजेक्ट करने का, दिखाने का, जिससे न सिर्फ आपका फायदा बल्कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बेनिफिट होंगे। वहीं दूसरी तरफ ये इस चीज को भी एक्सपोज कर रहा है ये मीटिंग्स के, कहां कुछ डिस्ट्रिक्ट में एक किसी पर्टिकुलर स्कीम है जहां बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। मैंने कुछ मामलों में देखा है, उदाहरण के लिए मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना जब मैंने देखी तो एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा था जिसने कर लिया, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे जहाँ पर अभी 10-20% की प्रोग्रेस है। हमारे जो एक बार CDO से आपसे अनुरोध रहेगा कि अपने DC साहब को और जो SC विद्युत है उनको बुला करके एक बार ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। सिमिलरली स्कूल ड्रेस का जो टारगेट मिला था हमें वो करीब करीब आप लोगों ने पूरा कर लिया है, उसमें भी एक बार BSA से सामंजस्य स्थापित करके आगे बढ़ा दीजिए। नरेगा में कई सारे कन्वर्जन के कार्य किए जा सकते हैं और महिलाओं के द्वारा किए भी जा रहे हैं, उसमें इस वीडियो को थोड़ा सा लीड देना पड़ेगा कि DC नरेगा और DC नागले में कोऑर्डिनेशन आ जाए, तो ये काम नए कर लेंगे। इसी प्रकार से सामुदायिक शौचालयों के प्रबंधन में उसमें भी आप लोग कर रहे हैं, परंतु जो भी शौचालय निर्माण होते जा रहे हैं उनका उसके लिए जैसे जी की महिला नामित हो जाए, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्टिविटी देखना होगा। तो बैंक के खाते न खुलना ये बहुत पुरानी समस्या, और ये कुछ बैंक मैनेजर होते हैं बिल्कुल अंडरमी होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना भी कहते रहो। जनरली NDM को बुला के हम लोग कहते हैं, और NDM को बहुत ज्यादा कंट्रोल किसी बैंक के ऊपर नहीं होता। अगर बैंक की उनकी पावर नहीं होगी, NDM किसी बैंक का क्या बिगाड़ सकता, तो एक्चुअली कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो जो लिखते हैं उस पर कभी कोई एक्शन नहीं होता। ये सरकारी स्कीम है और इसमें सहयोग न करना सरकारी कार्य में बाधा है। हमने जहां भी देखा कि थाने एक तार भेज दिया या एक तहरीर दे दी या उसको नोटिस भी दे दिया या उसको फोन करके बता दिया कि आप सरकारी कार्य में बाधा कर रहे हो, अगर ये खाता इतने खाते इस तारीख तक नहीं खुले या मतलब 3 दिन तक नहीं खुले, कई बार 7 दिन का लग दे दिया, अगर नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, तत्काल हो जाते हैं। तो थोड़ा सा सख्ती बरतने की आवश्यकता है। भले ही एक्शन मत लीजिए, लेकिन एक्शन का डर उन्हें नहीं दिखाओगे, उनसे इंटरेक्ट नहीं करोगे, उनको नहीं बुलाओगे तो कुछ नहीं होने जाना। तो पर्टिकुलरली आप देखिए कि किस बैंक के साथ ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो खाते खुलवाइए, बाकी RF वगैरह वो सब सेंक्शन कराइए, नहीं करें तो उनके खिलाफ
तहरीर दे दीजिए, अदरवाइज वो कभी नहीं मानते, कितना भी कह लीजिए। दिसंबर अगर एंड में अगर आप खाता न खुलने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इस वित्तीय वर्ष में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लिखित पड़त में जरा पूछ लीजिए। ठीक सर, अभी तक दो विभाग अभी भी ऑलमोस्ट 60% तो लोग हैं कि किसी ना किसी किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं। इस परसेंटेज को हम लोग किस तरह से बढ़ाएं, थोड़ा सा आप परसेंटेज की विजय बाद में उतने लोगों को वीडियोस को शेयर कर लीजिएगा। आप लोग बात समझ रहे हो, सभी लोगों को सीएम हेल्पलाइन से कम 1000 स्टूडेंट्स उनके पेरेंट्स को फोन कराया गया था, क्या परसेंटेज है वो भी अगेन एक रिफ्लेक्शन होगा। जहाँ पे अगर ई लर्निंग का परसेंटेज अगर बहुत कम है तो यानी कि वहां पर अभी तक हम अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके बीएस से भी ये करें और थोड़ा सा उसमें वीडियोस भी सपोर्ट कर दें। यस जी।